नागपुर में सदर पुलिस थाना अंतर्गत 3 दिनों से अलग अलग जगहों पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर 4 फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नागपुर शहर में इन दिनों महिलाओं के साथ विनय भंग के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर रोक लगाने हेतु पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत इन 3 दिनों में सदर पुलिस स्टेशन अंतर्गत महिलाओं के साथ विनय भंग के 3 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें पहली घटना में सदर थाना अंतर्गत रहने वाली एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से आरोपी गड्डी गोदाम निवासी 24 वर्षीय पापा कहाटे ने बदतमीजी कर पीड़िता अपने भाई के साथ खड़ी थी। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के भाई को खर्रा लाने भेज दिया और अकेला पाकर पीड़िता के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, साथ ही धमकी भी दी कि ये बात किसी को बताया तो देख लूंगा। ये सुन पीड़िता रोने लगी तो पापा घटनास्थल से फरार हो गया। पीड़िता के परिवार वालों ने सदर थाने में जाकर शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ 354 के तहत बॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि इस पहले मामले में आरोपी फरार बता रहा है। वहीं दूसरी घटना में आरोपी ने महिला के सामने जाकर अर्धनग्न अवस्था में उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की, जिसमें पीड़िता की शिकायत पर आरोपी आदिवासी नगर खदान निवासी राजेश वरखड़े उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार कर 354 के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे जेल पास कर दिया गया है। वहीं तीसरी घटना ऐसी हुई है जिसमें पीड़िता का आरोपी के साथ पूर्व में किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी, उसी के तहत आरोपी ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। इस मामले में पीड़िता ने मिथिलेश कंगाली पायल कंगाली जो कि दोनों पति पत्नी हैं और तीसरा आरोपी आकाश ग्राम के खिलाफ मामला 354 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। तीसरी घटना के आरोपी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। परवाच्या तारखेमध्ये पोलीस स्टेशन सदरमध्ये एका पीडितीने तक्रार दिल्यावरून कलम 354 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदरचे घटनास्थळ आदिवासी बैरामजी टाउन येथील आहे। त्यामध्ये एक आरोपी आहेत राजेश वरखेडे वय 40 वर्ष, हा फिर्यादीला तिच्यासमोर जाऊन नग्न अवस्थेत अश्लील चाळे करत होता, त्यामुळे ते फिर्यादीला ती लज्जा उत्पन्न झाल्यामुळे त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झालेला आहे। या गुन्ह्यातील आरोपीला आम्ही अटक केलेली आहे आणि सध्या तो जेलपास झालेला आहे। दुसरा एक घटना घडलेली आहे ती आहे नवी बस्ती मंगलवारीची आहे। एक पीडिता आहे 14 वर्षाची, तिला आरोपीने घरी एकटी असताना तिच्या घरात प्रवेश केला आणि तिला सांगितलं की तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे तुमको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, असं म्हणून तिला तिचा हात पकडला आणि तिचा विनयभंग केला। त्यामध्ये देखील 354 विथ पॉक्सोचा गुन्हा आम्ही दाखल केलेला आहे। आरोपी त्या दिवशीपासून फरार आहे। आरोपीचा शोध घेत आहोत डीबी पथकामार्फत, लगेच आरोपीला अटक करून पुढील कारवाई करीत आहोत। काल रात्री एक गुन्हा दाखल झालेला आहे खलाशी लाईनमध्ये, त्याच्यामध्ये 4 आरोपी आहेत 354 294 प्रमाणे, त्यादेखील आरोपींना आता अटक करणे बाकी आहे।